हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ISI मार्क इज़ अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर विच प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ISI मार्क जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज़ अवेलेबल। तो आप जानते हैं कि वाटर साइकिल जो है अर्थ पे अवेलेबल है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, द एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व राउंड द सन इन बिटवीन। तो एस्टेरॉइड्स जो हैं बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया, ठीक है, साल्ट वाटर लेक आप बोल सकते हैं, तो चिल्का लेक बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वेयर इज पंजीर वैली सिचुएटेड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजीर वैली जो है बेसिकली अफगानिस्तान में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, द पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू एंटर इन टू टिबेट। तो टिबेट में जाने के लिए नाथुला का इस्तेमाल किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, विच अमिज द फॉलोइंग प्लैनेट हैज इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन। तो एक ट्रिक है, एम वैम जे सन। तो यहाँ पे मार्स, एम से मरकरी, वीनस अर्थ, मार्स जुपिटर, सन यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट टू सन की अगर बात करें तो ऑर्बिट सबसे नज़दीक इनमें से किसका है, वीनस का है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, इंडिया लाइज इन, तो भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, द सवाना फाइंड्स इट्स आइडियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ इन। तो सवाना जो जंगल हैं उनकी आइडियल ग्रोथ होती है ड्राई सीजन में, तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विद लॉन्ग ड्राई सीजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन जर्मनी। तो जर्मनी में डेनूबी फ्लो करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। नाउ दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डाइक्स आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन। तो डाइक्स बेसिकली नेदरलैंड्स में बनाए जाते हैं, और नेदरलैंड्स का नया नाम हॉलैंड, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में नर्मदा फ्लो करती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए रेड प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट का टाइटल मार्स को मिला हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द सतलुज वैली। तो सतलुज वैली में शिपकीला पास सिचुएटेड है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।